खबर लखनऊ जनपद से, जहां BATET 2021 के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। अभ्यर्थी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने में प्रदेश भर से लगभग हजारों अभ्यर्थी बैनर पोस्टर लिए अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला 2011 का है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में 72,825 शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। विज्ञापन में कुछ त्रुटियां थी। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था। माननीय हाईकोर्ट ने पुराने विज्ञापन को खारिज करते हुए एक नया विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार को आदेश दिया था। तब तक शासन सत्ता बदल चुकी थी और साल 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय में पुराने विज्ञापन से भर्ती करते हुए नए विज्ञापन को भी वैध माना और सरकार को लिबर्टी दिया कि यदि सरकार चाहे तो नए विज्ञापन पर भर्ती कर सकती है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में साल 2019 में एक कमेटी गठित की गई थी इन शिक्षकों की भर्ती कैसे की जाए, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर BATET 2011 के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के आह्वान पर हजारों अभ्यर्थी आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने को कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। BATET 2011 के अभ्यर्थियों को समर्थन में आए हुए हैं जी, क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? देखिए, मेरे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि मुझे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल ने बुलाया था। मुझे बताया गया कि यहाँ पे BATET 2011-12 के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके साथ सरकार ने घोर अन्याय कर रखा है। इनके साथ इनका आवेदन फार्म भी ले लिया गया, इनके साथ इनका जितने भी प्रक्रिया हुए वो भी कर लिया गया, लेकिन इनके साथ सरकार ने अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हम अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को इनकी समस्याओं को अवगत कराएंगे। आज वो लखनऊ में हैं और हो सकता है कि वो यहाँ पे हमारे बीच आए भी, इनकी समस्याओं का सुने भी। और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको शिक्षक कहा गया है, योगी सरकार को इनके साथ जाति नहीं करनी चाहिए। अगर इन लोगों को नियुक्ति मिल जाती है तो ये शिक्षक हैं, ये जो है लोगों को शिक्षा देने का काम करते, बच्चों को पढ़ाने का काम करते, इन्हीं के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि सरकार कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, इनकी लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस बढ़ चढ़ के इनके साथ इनके संघर्ष में योगदान करेगी। जय हिंद, जय भारत। रिपोर्ट होती तो ये सार्वजनिक कर देते, लेकिन चूंकि ये BATET की रिपोर्ट है, इनको क्या मतलब? इनको कोई मतलब नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, आपने क्या कर रखा है, इसलिए ये रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं हाईकोर्ट में रिट दायर करके उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने का भी काम। जी नमस्कार, मैं हूँ आशीष शर्मा। इस समय मौजूद हूँ मैं लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ BATET 2011 के अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए BATET 2011 के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं। आइए जानते हैं कुछ क्या कुछ कह रहे हैं। सर जी, ये धरना कब से चल रहा है? ये धरना 3 दिन से चल रहा है, 8 तारीख से चल रहा है। और ये धरना हमारा कमेटी रिपोर्ट के लिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था 30 जुलाई 2018 को, कि हमारी BATET की समस्याओं का निराकरण करके इनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, उस कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल गुजर जाने के बाद अभी तक माननीय मुख्यमंत्री की जो बनाई गठित कमेटी है उसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। ये अंधेरगर्दी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन हो रहा है कि कम से कम आम जनता की क्या सुनोगे जब मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी को का निर्णय नहीं दे पा रहे हो। इसके लिए हमारी लड़ाई सरकार से लास्ट मांग क्या करते हैं? अंतिम सरकार से अंतिम मांग हमारी यही है कि सरकार ने की तरफ से हमारे पास जो प्रस्ताव आया उसके मुताबिक भी कि सोमवार को हमारी वार्ता कराई जाएगी। निश्चित रूप से अगर सरकार जो वादे भी किए और उसके बाद आज तक हमें आश्वासन भी दिए और ये कहा कि हम आपके लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे, नहीं करती है तो 2022 में ये संगठन, उनको मुख्यमंत्री बनाया था और BJP की सरकार बनाई थी, निश्चित रूप से ये संगठन उनको हटाने का काम करेगा उत्तर प्रदेश में। ये तय है और ये आप देख लीजिएगा। अभी धरना चलेगा कि फिर नहीं? धरना बिल्कुल स्थगित नहीं होगा। धरना अभी जब तक चलेगा जब तक हमारी वार्ता नहीं करा दी जाती है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, यह धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। मैं आशीष शर्मा, नेशनल खबर लखनऊ।